स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है एक ऐसी न्यूट्रिशियस सब्जी जिसकी कोई खास पहचान तो नहीं है, पर वो गुणों की खान है, जिसको हमने दिया है एक एक्स्ट्रा पंच और सब्जी बनेगी टेस्ट में बेस्ट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वजन कम करना हो, डायबिटीज हो या बीपी हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखने वाली मल्टी न्यूट्रिशियस सब्जी बनाने की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मल्टी न्यूट्रिशियस सब्जी है कुंदरू, जिसको टिंडोला या टिंडोला भी कहते हैं। और इसको मैंने साफ धो लिया है, आधा किलो मैंने लिए हैं कुंदरू और इसको मैंने लंबे पतले टुकड़ों में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, कुंदरू की सब्जी के साथ मैंने ली है यहाँ पर चने की दाल, आधा कप चने की दाल मैंने ली है और इसको मैंने साफ धोकर एक डेढ़ घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। चने की दाल कुंदरू की सब्जी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है और इसका टेस्ट भी बढ़ाती है। फ्रेंड्स, अब सब्जी बनाने के लिए हम पैन में तेल लेते हैं। तेल गर्म हो जाए कि हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा और साथ में हम डालेंगे एक प्याज बारीक कट किया हुआ, प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अदरक मिर्ची और लहसुन। इसको मैंने दरदरा थोड़ा कूट लिया है, इस तरह से कूटने के बाद इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक भी मुंह में जब दरदरा आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लहसुन और प्याज, फ्रेंड्स आप नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप हींग भी डाल सकते हैं सब्जी में। एक मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, फुल फ्लेम पर ही मैं भून रही हूँ। लहसुन और प्याज की रॉ स्मेल निकल गई है। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा प्रोमिनेंट फ्लेवर ही मैं तो पसंद करती हूँ लाल मिर्च का, खासकर ऐसी सब सब्जियों में आप जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें धनिया पाउडर, मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं ये हमारे कट किए हुए कुंदरू और साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे चने की दाल, जिसको हमने एक डेढ़ घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम दाल को भिगो के रखें और तुरंत सब्जी बनानी है तो आप 15-20 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरह भिगो दें और फिर एक सीटी लेके खिला खिला कुक कर ले, दाल को ज्यादा गलाए नहीं। और अभी तो मैं इसमें सब्जी के साथ ही कुक कर रही हूँ, आप फिर सब्जी दाल को कुक करने के बाद सब्जी में मिक्स कर सकते हैं। दाल मिक्स करने के बाद अब इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक, और नमक डालकर मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे यही दाल का थोड़ा सा पानी और स्लो फ्लेम पर हम इसे ढककर फिर हमें कुक करना है। फ्रेंड्स, 10 मिनट होने आ गए हैं, सब्जी को मैंने धीमी आंच पर कुक किया है, बहुत अच्छी तरह से सब्जी कुक हो गई है, बहुत अच्छा लुक भी आया है। सब्जी को ओवर कुक नहीं होने देना है हमें, तभी सब्जी का लुक भी अच्छा आता है और सब्जी न्यूट्रिशियस भी बनी रहती है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। सब्जी में आप पानी अपनी कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, उतना पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ और बच्चों को ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आए और टेस्ट भी बढ़े सब्जी का, इसलिए हम इसमें डालेंगे बच्चों का मनपसंद पाव भाजी मसाला, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, पाव भाजी मसाला मैंने सब्जी को एक एक्स्ट्रा पंच देने के लिए किया है, जिससे बच्चे भी ये सब्जी खाए, उनको भी अट्रैक्शन बढ़े सब्जी का। और घर का बना हुआ पाव भाजी मसाला लिया है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और अब हम इसमें आखिर में मिक्स कर देते हैं ये टमाटर बाद में इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि टमाटर हम यदि पहले मिक्स कर देते हैं तो कई बार चने की दाल है या सब्जी है ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें टमाटर बाद में मिक्स करने हैं। और ढककर हम थोड़ा सा और इसको टमाटर डालने के बाद कुक कर लेते हैं। बस 2-3 मिनट और हो गए हैं, खोल लेते हैं सब्जी को। पाव भाजी मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। और अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा हरा धनिया और अब हम गैस को बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी न्यूट्रिशियस कुंदरू की सब्जी। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स।